जांजगीर चांपा जिला में सैकड़ों गांव के पाछू 48 घंटा ले जिला मुख्यालय ले संपर्क टूट चुके हैं। जिन व्यक्ति जिहां फंसे रही से उहें फंस के रही गिस। मूसलाधार बारिश और बाढ़ हा लोगन पर आफत बन के टूटिस। बारिश के कहर में चारों मुड़ा सिर्फ पानी ही पानी नजर आवत रही से। सैकड़ों लोगन बाढ़ के कहर ला देख के अपन घर द्वारी ल छोड़ के जान बचाए बर सुरक्षित ठिकाना में जैसे तैसे पहुंचे। बरसात और बाढ़ ले नदी नाला तीर में रहिया लोगन के घर पूरा तरह ले बर्बाद हुए। अवतु सरकारी कोशिश लोगन ला नहीं मिल पाईस। परसदा पहरिया बोखरेल ऐसने कोरी भर गांव के नाला हा उफान में होइले बाढ़ ले हालत हा बहुत उखर खराब हो गई। गुरुवार के तेज बारिश ले नाला के तीर रहिया घर द्वार में बरसात के पानी हा घुस गई, जेकर वजह ले घर हा पूरा बाढ़ के चपेट में आ गई। घर के लोगन लटपट में अपन जान बचा के दूसर जगह गई। गुरुवार के दिन तेज बारिश के चलत गरीब और असहाय मन के घर उजड़ गई। घर में बारिश के पानी हा घुस गई। घर में रखे खाए पिए के जम्मो सामान घलो बर्बाद हो गए। बारिश के चलत ये घर के दीवार हा भरभरा के टूट गई। कई खाए पिए के सामान बर्बाद हो गई। बलौदा ब्लॉक के परसदा पहरिया बोकरेल करमंदा खैजा बोकरा मुड़ा कोरी भर गांव में एकाएक नाला के जल स्तर बढ़े ले नाला तीर के रहिया लोगन ला सोचे समझे के मौका घलो नहीं मिले। पूरा बारिश सही से तो हुई है। अब धान चाउर के पूरा नुकसान हुई है। हाँ, काला खाबो। अब छोटे छोटे बच्चा हैं। सरकार से कहा चाहा था आपने? अब सरकार कुछ व्यवस्था करी था तो जीवन तो बहुत थोड़ी से भाई। अब कई जगह बाड़ी में वो साइड भी डूबे हुए है। दो चार ठीक घर में पानी भी घुस गए है। ये साइड जंगल साइड प्लस में फिर तुम्हार बस्ती साइड भी घुस गए है पानी करीब 8-10 घर में। अच्छा ये बताइए, ये जो ये मेरे लिए पुलिया के निर्माण की सड़क रिसावा है। हाँ। ये सड़क आप सड़क और पुलिया पूरी तरह से डूब गए। आए जाए में कैसे दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत हो तो भाई आना जाना तो संभावना ही नहीं है। आ जाए हम सकत भी नहीं हन। बस्ती के आदमी पारा नहीं आ सकत है। पारा के मनो पारा नहीं जा सकत है। लग चंगवारी हो जय जोहार। एक और पूरा देश माँ कोरोना के कहर रिसावा है और पूरा देश माँ त्राही माँ मचरी से और वही आज बाढ़ के वजह से पूरा देश प्रदेश माँ हाहाकार मचे हुए। हम बात करत हन जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत बोकरेल के, जहाँ नाला हा उफान में हवा है, जेकर वजह से पूरा पानी और पूरा जलमग्न हो गया हवा, जेकर वजह से आम जो जनजीवन हवा पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। जो नाला है पूरा उफान में हवा, जेकर वजह से जो आसपास में जो घर से खेत खार से वो पूरा प्रभावित हो चुके हैं। जेकर वजह से जो आसपास के घर में पूरा पानी भर चुके हैं, जगह मन के जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। और यही मेरे जो आगे में जो पुलिया बने हवा है, कम ऊंचाई के पुलिया बने रही से, जेकर वजह से मेरे पहले कुछ दिन पहले भी ऊपर ले पानी जात रही से। पानी जाए के वजह से लोगन मतलब जो 1 किलोमीटर के जो रास्ता रही हवा है वो मतलब 5-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के दूर सफर तय करके दूसरे ग्राम पंचायत में जाला प्रदेश आवे, जेकर वजह से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रही से, तकलीफ होती से। और ये सबसे बड़ी प्रशासन के लापरवाही ये नज़र आते कि कोनो प्रशासन हाँ ये में राहत टीम भी नहीं भेजे हवा और न ही प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम किए गए है, जेकर वजह से ये मेरे के लोगन है तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता हवा। मन देख सका था कि जो घर की जो स्थिति है का स्थिति है पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और ये पूरा तरह एक प्रकार घर में जो सामान इसे वो बर्बाद हो चुके हैं। लोगन मन आए जाम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन जैसे तैसे करके मन अपन व्यवस्था ला बना था है। लेकिन एक प्रकार से प्रशासन के में साफ साफ लापरवाही भी नज़र आता है। काफ़ी कि प्रशासन की ओर से ये में कुछ कोई राहत की टीम भी नहीं भेजे, नहीं कोनो चेतावनी के नोटिस बोर्ड डाले हवा।